Hello students, I am here again with a new lesson of elective English, and this is the first lesson, and the name of the lesson is The Lament, written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a great Russian writer. He was born on 1810 and died on 1904. The writer belongs to a middle class family, and he was the author of more than 600 stories. His first story was published in 1880. His stories are based on sadness, pity, and plentifulness of life, our human life, which are not shared by others in the fast-moving modern world. And this story, Lament 2, is based on this theme. Now the theme of the story, the people are indifferent to share the grief of their fellow beings. इस समय में लोग जो है एक दूसरे की तकलीफ सुनना पसंद नहीं करते हैं. द एनिमल्स आर बेटर हु आर देयर ट्रू कंपेनियंस एंड ट्रू फ्रेंड्स इन लाइफ. उससे बेहतर कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंसानों को बखूबी साथ निभाते हैं. एज इन दिस स्टोरी, जैसा कि इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे, इसके जो मुख्य कैरेक्टर है वो है आयोना और उनका एक हॉर्स है. तो लैमेंट स्टोरी जो है, इसके मेन कैरेक्टर हैं आयोना उटापॉफ, इनको शॉर्ट में हम लोग आयोना बोलते हैं. हु वाज अ कैब ड्राइवर, वो एक कैब ड्राइवर थे और वो वेरी ओल्ड एंड वीक थे. साथ ही साथ जो हॉर्स था उनका, वो भी काफ़ी लीन एंड बोनी था. सो इट वाज स्नोवी एंड आयोना वाज ट्राइंग टू थिंक अबाउट समथिंग. उस वक्त जो है स्नोफॉल हो रहा था और आयोना बैठ के सोच रहा था, लेकिन वहाँ जो रस था, द पीपल वेयर गोइंग हेयर एंड देयर, दैट डिस्टर्ब्ड हिम फ्रॉम थिंकिंग दैट. ये सारी चीज़ें उन सोचने से डिस्टर्ब कर रही थी. एंड देन ही वॉज लुकिंग फॉर द पैसेंजर्स, वो सोच रहे थे कोई पैसेंजर मिले और मैं अपनी जो दुख है उसे बताऊँ. तो एक पैसेंजर उन्हें मिलते हैं जिनको जाना था और वो उसकी कैब में आते हैं. तो इनका जो सन है, आयोना का एक बेटा है बैरिन, जो कि रिसेंटली अ वीक अगो वो डेथ कर चुका है, और ये बात वो अपने पहले पैसेंजर को बताते हैं. बट द पैसेंजर वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स. वो व्यक्ति आयोना की बातें सुनने को तैयार नहीं था. एंड ही टोल्ड हिम टू रस, आप जल्दी मुझे जहाँ जाना है मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दीजिए. सो आयोना बिकम सैड, आयोना फिर से उदास हो जाता है. नाउ ही रीच द डेस्टिनेशन, अगेन ही गॉट सम पैसेंजर यंग बॉयज, कुछ यंग बॉयज होते हैं जो उनको एज ए पैसेंजर मिलते हैं. तो ऑल द बॉयज वेयर फाइटिंग अब्यूसिंग ईच अदर वाइल द जर्नी. जब वो कैब में बैठ के जा रहे थे तो वे आपस में ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि आयोना को डिस्टर्ब कर रही थी, और अभी भी आयोना अपनी बात उन लड़कों को नहीं बता पाए. वो ये बताना चाहते थे कि उनका बेटा बैरिन जो है, अभी कुछ ही वीक पहले उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है कुछ प्रॉब्लम, कुछ बीमारी की वजह से. और आयोना बहुत सैड है, बहुत दुखी है, क्योंकि वो अपना इकलौता बेटा को खो चुका है. तो दोनों ही पैसेंजर्स जो थे उनकी बातें नहीं सुनते हैं. पहले वाले पैसेंजर एक ऑफिसर थे और दूसरे पैसेंजर्स कुछ यंग बॉयज थे, दोनों ही उनके बातें नहीं सुनते हैं. फिर थर्ड में जो है, आयोना एक पैसेंजर के पास जाता है और पॉटर को अपनी बात बताने का प्रयास करता है. उसके बावजूद भी वो पॉटर उसकी बात नहीं सुनता है. फाइनली आयोना जाके अपने जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे वो अपने घोड़े को बांधता है, उस स्टेबल में जा कर के बैठ जाता है. तभी उसने देखता है कि वहाँ पे एक मैन है जो कि वो उसकी बातें सुन सकता है. ही ट्राइड टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, वो अपने दुख को जैसे ही व्यक्त करने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति आयोना से पानी मांगता है और टर्न करके मुड़ करके सो जाता है. तो ये तीन सिचुएशन हम लोगों ने देखे जहाँ पर आयोना की बात, आयोना का दुख कोई नहीं सुन पाता है. तो अब
फाइनली अंत में निराश होके हताश होके आईना जो है अपनी बात अपने घोड़े से बताता है, यानी कि कोई इंसान नहीं था जो उसके दुख को सुन पाए, और अंत में उसने एक एनिमल से अपनी दुख की बातें शेयर की। और जब तक हम लोग शेयर नहीं करते हैं हमारा दुख भी हल्का नहीं होता है, और आयोना भी यही चाहता था कि वो अपने दुख को अपनी फीलिंग को शेयर कर सके। तो ये एक्चुअली इस स्टोरी का स्टोरी की समरी हो गई, थीम हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए इस स्टोरी के। तो फर्स्ट वर्ड है ट्वर्लिंग, इट मीन्स टर्निंग और स्पिनिंग राउंड क्विकली। सेकेंड इज फैंटम, फैंटम मीन्स apparition, plunged means immersed. Next is unceasing means non-stop. Equilibrium means stability or balance, एक स्थिरता बनाए रखना. Wrangling means disputing, यानी कि बहस करना या विवाद करना. उसके बाद है twangling means sharp rising sound. Funeral means किसी व्यक्ति की जो अंतिम क्रियाक्रम होते हैं, that is disposal of the dead body. And next is wringling means twisting movement. So these are the important things that you must know about this lesson, the lament. Thank you.